भारत में शराबबंदी है। इस तरह से नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। आजकल बच्चा जो 10 साल 12 साल का है, बेरोजगारी के वजह से पैसे के अभाव में होम डिलीवरी बॉय बन गया है और बड़े बड़े माफियाओं के लिए काम कर रहा है। ये और सरकारी दुकान खोलिए और ठेका दीजिए, सरकारी स्तर पर शराब बिकवाइए, बिहार में राजस्व भी आएगा, उससे विकास। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में शराबबंदी का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गहराया हुआ है। आपको हम बता दें, विपक्षी खेमा एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार की सरकार को आईना दिखा रहा है, बीते दिनों इसी बिहार विधानसभा के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थी। उसके बाद बिहार के जो डीजीपी हैं, इसके सिंगल और चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों पहुंचे थे मौका वारदात पर, जहां पर शराब की बोतलें मिली थी और वहां पर तलाशी ली गई थी, वहां पर सब कुछ जांच पड़ताल किया गया था। ऐसे में अब कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रतिमा दास, वो साफ साफ कह रही हैं इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कि सरकार को शराब की दुकान जो है वो खुलवा देनी चाहिए, सरकारी ठेके देने चाहिए, क्योंकि वो महिला है। प्रतिमा दास खुद महिला विधायक हैं, वो कह रही हैं कि हम जब शादी पार्टी में आते हैं तो हम देखते हैं शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, घर घर तक शराब पहुँच रही है। क्या कुछ प्रतिमा दास कह रही हैं, कांग्रेस की जो विधायक हैं, जरा सुनिए। क्या रहता है बिहार में शराबबंदी को लेकर के बातें होती हैं, आप महिला भी हैं, विधायिका भी हैं, क्या सफल है जमीन जहाँ पर? बिल्कुल सफल नहीं है। देखिए, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी। जब बंद कराना है तो केंद्र सरकार को बोलिए कि पूरे भारत में शराबबंदी हो। इस तरह से नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। बिहार में शराबबंदी है, झारखंड से शराब आ रहा है, यूपी से आ रहा है, हरियाणा से कैसे पहुंच जा रहा है? तो कहते हैं कि महिलाएं खुश हैं, आप तो महिलाओं से मिलती? भाई, मैं तो महिला हूं और महिला खुश होती है, लेकिन महिला के लिए पहले उसका हस्बैंड, बाल बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। भगवान के मंदिर में भी जब जाती है तो मंदिर के साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती है, पहले वो कहती है भगवान मेरे बाल बच्चों को स्वस्थ रखना। तो आपको शराबबंदी के लिए बोली थी, ना कि उसके हस्बैंड को बाल बच्चे को जेल में डालने के लिए। आजकल बच्चा जो 10 साल 12 साल का है, बेरोजगारी के वजह से पैसे के अभाव में होम डिलीवरी बॉय बन गया है और बड़े बड़े माफियाओं के लिए काम कर रहा है। क्या आप मांग करते हैं शराबबंदी खत्म किया जाए? शराबबंदी खत्म होनी चाहिए और सरकारी दुकान खोलिए और ठेका दीजिए, सरकारी स्तर पर शराब बिकवाइए, बिहार में राजस्व भी आएगा, उससे विकास हो। अंतिम सवाल यह है कि नीतीश जी तो आपसे पूछ लेंगे कि आप कैसी महिला हैं कि जो समाज में करिए कि शराब बिकवाइए? जी, मैं महिला इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद MLA हूँ, जनप्रतिनिधि, मैं गाँव में जाती हूँ तो आए दिन मुझे पियक्कर से भेंट होती है। कितना? बिल्कुल, पब्लिक मीटिंग में? हाँ, पब्लिक मीटिंग में। जब मैं गांव में, जब शादी है, ब्याह है, श्राद्ध है, कितना लोगों को हम कहें कि भाई इसको जेल भेजो, इसको जेल भेजो। कहीं ना कहीं बिक रहा है तो पी रहा है, ऐसा थोड़ी है। खोल देना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। सरकारी दुकान खोलिए और अंग्रेजी शराब की जिस तरह से खेप आ रही है, माफिया यहाँ पर सक्रिय है और अरबों खरबों की संपत्ति बना लिए हैं। कहाँ से बना लिए? रोजगार है ही नहीं। आप पता करिए ना, बिहार में 6 साल में कितने लोग अरबपति हो गए शराब बेच बेच करके। तो विपक्ष एक तरफ जहां एकजुट दिख रहा है शराबबंदी के मुद्दे पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कई दफे घेरा है सरकार को और बताया है कि शराबबंदी की असली पिक्चर यही है, बिहार विधानसभा में खाली बोतलें जो मिली हैं वही असली पिक्चर है, शराबबंदी की पोल खुल रही है। और ऐसे में प्रतिमा दास ने क्या कुछ कहा है, अपनी बातों को रखा है शीतकालीन सत्र के दौरान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि कैसे दिक्कत होती है, महिलाएं खुश नहीं हैं, उनके पति, उनके बेटे जेल जा रहे हैं शराबबंदी के नाम पर, तो वो खुश कैसे होंगी। बहरहाल सर, बिहार में शराब की दुकानें अब खोली जाएँ, ये मांग उठने लगी है विधानसभा में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।